ओके, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. दिस इज लेक्चर नंबर 44 एंड टुडे इज जुलाई 19, 2021. ओके, लेसन 5 एडजेक्टिव्स के एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एफ, जी एंड एच. सो स्टूडेंट्स, टर्न टू पेज नंबर 37 एंड डू फॉलो दिस वीडियो अटेंटिवली. ओके, एक्सरसाइज एफ पार्ट. Use the word given to change the word good in Bobby's letter. आपको नीचे एक letter दिए गए हैं, so आपको letter के बीच bracket में दिए गए red color में लिखे हुए word good को box में दिए गए सही meanings वाले word के साथ change करने हैं. ठीक है, यहाँ पे the word good के अलग अलग मीनिंग्स है, सो आपको वर्ड गुड के सही मीनिंग वाले वर्ड को ब्लैंक्स में लिखने हैं. ठीक है, इस होल लेटर में द वर्ड गुड स्टैंड्स फॉर डिफरेंट पॉजिटिव मीनिंग्स, ये ध्यान में रखना. ठीक है, ओके, अब रीड करने जा रहा हूँ. सबसे पहला वाला गुड का मतलब है टेरिफिक, जो पहले से लिखे हैं. ठीक है, ओके, सेकेंड लाइन में द वेदर वॉज गुड. गुड मीन्स परफेक्ट, यहाँ पर आएगा परफेक्ट. आई नीड अ गुड बुक, यहाँ पर गुड के जगह में आपको लिखना है सुपर्ब, एस यू पी ई आर बी, सुपर्ब. फिर थर्ड लाइन में लिखना है गुड इन अ न्यू क्लोथ्स, यहाँ पर गुड का मतलब है ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल इन अ न्यू क्लोथ्स. उसके बाद आएगा माई अंकल इज गुड, यहाँ पर आएगा गुड का मतलब वाइज, आपको लिखना है डब्ल्यू आई एस ई वाइज. ही गेव मी सम गुड एडवाइस ऑन रोड सेफ्टी, यहाँ पर गुड का मतलब है वैल्यूएबल, कीमती. ठीक है, माई आंट वॉज ऑल्सो गुड, यहाँ पर गुड का मतलब है फैबुलस, लाजवाब. शी मेड सम डिशेज दैट वर रियली गुड, सो यहाँ पर गुड के मीनिंग है टेस्टी. ठीक है, स्वादिष्ट. एवरी मॉर्निंग आई वेंट फॉर अ गुड स्विम इन अ लेक, सो यहाँ पर गुड का मतलब है रिफ्रेशिंग. ठीक है, ताज़ी. आई हैड अ गुड व्यू ऑफ द कंट्री साइड फ्रॉम द विंडो ऑफ माई रूम, यहाँ पर गुड का मतलब है हेवनली. ठीक है, जन्नत एहसास दिलाने वाले. ठीक है, जन्नत के एहसास दिलाने वाले को कहते हैं हम इंग्लिश में हेवनली. आई हैड टेकन सम गुड फोटोग्राफ्स, यहाँ पर गुड का मतलब है रिमार्केबल, बहुत सुंदर, अति है ना, लाजवाब. आई विल शो देम टू यू व्हेन आई रिटर्न होम, आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यहाँ पर गुड का मतलब है वंडरफुल. ठीक है, एकदम अच्छा टाइम. ओके, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज जी पार्ट. सर्कल द राइट नंबर ऑफ एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस एंड राइट इन द बॉक्स. ओके, एक्सरसाइज जी पार्ट में आपको नीचे दिए गए सेंटेंस में वो सारे एडजेक्टिव वर्ड्स को सर्कल करने हैं और नीचे दिए बॉक्स में उनके नंबर्स लिखने हैं कि उस सेंटेंस में आपने कितने एडजेक्टिव्स को सर्कल किया. ठीक है, ओके, नंबर वन, देर आर 4 एडजेक्टिव्स, दे आर रूड, बैड, स्ट्रिक्ट, जॉली. इन 4 एडजेक्टिव्स को आपको सर्कल करने हैं और बॉक्स में लिखना है 4, क्योंकि वहाँ पर 4 एडजेक्टिव्स हैं. नंबर टू, लार्ज एंड सॉफ्ट को सर्कल करो, बॉक्स में लिखो 2. ठीक है, नंबर 3 में आपको सर्कल करना है द वर्ड ब्रेव, विकेट एंड सैड, सो देर आर 3 एडजेक्टिव्स, सो आपको बॉक्स में लिखना है नंबर 3. नंबर 4, सर्कल द वर्ड फैट एंड हॉट, यहाँ पर 2 एडजेक्टिव्स है, सो आपको नंबर लिखना है 2. नंबर 5, बेस्ट एंड ऑनेस्ट, सो देर आर 2 एडजेक्टिव्स, सो राइट नंबर 2. नंबर 6, स्मॉल, टॉल, जूसी को सर्कल करो, सो देर आर 3 एडजेक्टिव्स, सो बॉक्स में लिखो नंबर 3. ठीक है, नाउ गोइंग टू द पेज
Okay, exercise each part. Rewrite each sentence with the opposite adjective for those given underlined. ठीक है. ओके, आपको एक्सरसाइज एच पार्ट में आपको नीचे दिए गए सेंटेंस में से अंडरलाइन किए गए एडजेक्टिव वर्ड्स के ऑपोजिट में चेंज करके सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है. ठीक है. ओके, नंबर वन, शॉर्ट का ऑपोजिट है टॉल, टॉकेटिव का ऑपोजिट है क्वाइट. सूजी इज अ टॉल एंड अ क्वाइट गर्ल. आपको अंडरलाइन किया गया वर्ड के ऑपोजिट लिखना है और सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है. नंबर टू, स्टडी का अपोजिट है वीक, क्वाइट का अपोजिट है फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब है आसानी से, है ना, कमज़ोर, आसानी से टूटने वाले. ठीक है. नंबर थ्री, शाय का अपोजिट है बोल्ड, ओल्ड का अपोजिट है यंग. ठीक है. बोल्ड का मतलब है एकदम हिम्मत वाला. नंबर फोर, क्लेवर का अपोजिट है डल, स्टबन का अपोजिट है फ्लेक्सिबल. सो यहाँ पर आपको वर्ड स्टबन का मतलब है जो एक ही बात पे अड़ा रहते हैं, और वर्ड फ्लेक्सिबल का मतलब है जो अपने मन एकदम चेंज करते रहते हैं. ठीक है. नंबर फाइव, फ्रेंडली का अपोजिट है अनफ्रेंडली, क्लीन का अपोजिट है टाइट, क्लीन का अपोजिट है डर्टी. नंबर सिक्स, गुड का अपोजिट है बैड. नंबर सेवन, नॉइजी का अपोजिट है क्वाइट, लाउड का अपोजिट है साइलेंट. नंबर एट, लिटिल का अपोजिट है बिग एंड न्यू का अपोजिट है ओल्ड. नंबर नाइन, ओल्ड का अपोजिट है न्यू, ओपन के अपोजिट है क्लोज्ड. नंबर टेन, ब्यूटीफुल का अपोजिट है अगली, टाइनी का अपोजिट है गाइजेंटिक. गाइजेंटिक का मतलब है बहुत बड़ा, वेरी बिग. नंबर 11, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट है वीक, विकेट का ऑपोजिट है काइंड. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास बस यहीं तक. फॉर होमवर्क, डू एक्सरसाइज एफ जी एंड एच पार्ट ऑन योर इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक. सो टिल देन, गुड बाय टू यू ऑल. टेक केयर एंड स्टे सेफ.